भाई हम 90s के किड तो स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन आज के बच्चे स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब करते हैं। अभी नहीं देख लो, टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग। कैसे नोटिस करें सर जी? फादर्स मैनर्स दिस। सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश कोचिंग नॉट ए लोकल लैंग्वेज। तुम्हारी कातिलाना इंग्लिश से ध्यान हटे तो ना। अरे ये क्या, मैडम जी थोड़ा तो रहम करो, जब टीचर्स हों ऐसे हॉट तो बच्चे भी क्या करें। और ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुई है ना, तब से तो टिंकू पिंकू मास्टर जी की शक्ल देखकर पैंट में ही सुस्सू कर देते हैं। उनकी भी हिम्मत सर चढ़कर बोल रही है, अरसलान अली है सर। क्या है? एमडी अरसलान अली, वही गालिया भी दिया था। चुप बैठा ना, पागल लगन हो यार। अभी हम तो ऑन तक नहीं किए, तू बेफजूल का दूसरे को फंसा रहा है। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई, और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें बेचारे टीचर्स का हो गया है बुरा हाल। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। कभी स्टूडेंट्स ने लगाई उनकी बात, संज्ञा का मतलब बताइए, तो कभी इन छोटे छोटे सवालों ने किया उनकी नाक में दाग। व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं। ये हैं अपने शिक्षक। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? जो घंटा ही बनाएंगे हमारे देश का भविष्य। अब जब हमारे नेताजी ऐसे हों, तक बेवकूफ बनाने की, तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने दे, यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करके, अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा। तो टीचर्स का क्या ही बोले। वेल ये टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं या न पढ़ाएं, लेकिन आपके पेट में हंसा हंसा के दर्द जरूर कर देंगे। तो चलिए खोलते हैं मस्ती का पिटारा इन अवर न्यू वीडियो टाइटल्ड फनीएस्ट टीचर्स फेल्स। नंबर वन, बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। भाई जितने भी नमूने बैठे हैं यहाँ, वो सब के सब अनपढ़ गवार और जाहिल किस्म के लोग हैं, और कोई भी तेरे इन वर्ड्स का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन डोंट वरी भाई, तेरा फैक्ट भाई अभी जिंदा है। देख ये मैडम बताएंगी तेरे शब्दों का मतलब। हाँ बोलो मैडम, अर्नोल्ड सुभाष नगर। देखा, बोला था ना एकदम परफेक्ट जवाब लाया हूँ, यही मतलब था ना भाई। जैसे कि कोई औकात ही नहीं यार। मजा आया, और लिख इतने बड़े बड़े शब्द, सबको पी के समझे हो क्या, कुछ भी लिखोगे। नंबर टू, और ये है जादू की दीदी, जो दूसरा का गोला से हम इंसानों को अपना गोला का पढ़ाई करवाने आई है। और जानते हो इनका गोला पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कहा जाता है, सुनो। और अपने यहाँ ये जादू की दीदी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर पीके की भाभी मौजूद है। देखोगे, हंसोगे तो नहीं, लो देखो। अरे वो भौजी, हमारे देश के राष्ट्र गानवा को तो बख्श दो, कहा है उसके शब्द बदल रही हो, और तुम्हारा बहाना तो सुपरवा से भी ऊपर वाला है। गला खराब है तो द्रविड़ उत्कल बंगा को बंद है, बैंड है, और मराठा को मराठा बोलोगी। पहले जाए के कछु सीख ले, तब आइयो बच्चन को पढ़ावे को, बड़ी आई टीचर नहीं बनी। नंबर थ्री, भाई जब से गली बॉय मूवी देखी है, बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतुएंगी ना उसको, तब से तो स्कूल में भी गुलू गुलू ही चल रहा है। अरे ये तो पुराना है, नया वाला देखो। जी जी ओ ओ ओ, 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 ओ जी जी एले एले ई ई गुलू 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 गुलू। अरे यार मैडम जी, माना तुम्हारा मूड है, तो क्या बच्चों को भी यही सिखाओगी? और भाई बेचारा गूगल तो यही बोल रहा होगा, ओ भाई नाम बदल मेरा भी। और भाई सड़े पपीते के मुंह से मैडम की गुलू गुलू सुन के तो आलिया का भी यही रिएक्शन देखने को मिला। अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट?
बड़े आई, सिर्फ गुलू गुलू पढ़ाना आता है और कुछ नहीं पढ़ा सकती क्या है? नंबर 4 विद्यार्थी को करना कम से कम मुझे 5000 आज देखना चाहता हूँ। 5000 घर का चिराग जला, मुझे 5000 घर का चिराग जलाना है। अरे वो टकले चुप, बिल्कुल चुप। कान में से फोन निकाल दिया, ऐसे चिल्ला चिल्ला के जैसे तेरे बाल उड़े ना वैसे आते फेफड़े किडनी सब बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट क्या चिल्लाने से आएंगे है? सर जी मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे चिल्लाओगे तो स्टूडेंट आए ना आए लेकिन जो गिने चुने 2-4 है ना वो भी जरूर भाग जाएंगे। बाल तुम्हारे बाल, धैर्य रखिए, आपके स्टूडेंट्स आएंगे। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। वैसे सर जी मेरी एक फ्री की सलाह मानो तो इनहेलर ले आओ। जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। क्योंकि जिस स्पीड से तुम बोल के ये जोर जोर से हांफ रहे हो ना, उससे तो साफ है कि ऊपर वाले की ऑक्सीजन आपके लिए थोड़ी कम पड़ रही है। अगर नहीं लिया तो थोड़ी देर में ही टाइम बोल जाओगे। वेल, आप लोगों में से कौन जाना चाहता है इन मास्टर जी की कक्षा में? कमेंट में अपना नाम लिखवा दो। नंबर 5, भाई लोग अब जरा इस नॉटी से मास्टर जी से मिलो। नॉटी इसलिए क्योंकि इनकी क्लास में आते हैं वर्ल्ड फेमस नॉटी स्टूडेंट्स। नाम सुनना चाहोगे? लो सुन लो। रोहन वर्मा, मिया खलीफा। मिया खलीफा, सर जी हाउ नॉटी यू आर। ऐसा क्या पढ़ाते हो सर जी? एक सेकंड, ये क्या सर जी इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? अच्छा आप समझा पूरा माजरा। बेचारे इस सख्त लौंडे जैसी शक्ल के भोले वाले टीचर को सबक सिखाने के लिए शायद स्कूल की नॉटी नॉटी गर्ल्स ने उनके अटेंडेंस रजिस्टर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी है। अब सर जी के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है ना। नंबर 6, दोस्तों आज के टाइम में अगर कोई मंदिर के घंटे जैसी जिंदगी जी रहा है तो वो है टीचर्स। जिसका मन करता है बजा के चला जाता है। पेश है उसका एक बेहतरीन नमूना। अरे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस इसका 2, जैसे 2 प्लस 2 इसका 4 होता है ना, ऐसे माइनस प्लस माइनस इसका 2 क्या होता है? इसे कहते हैं जबरदस्ती का ज्ञान पेलना। अरे ओ मास्टर जी, केमिस्ट्री और मैथ्स तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, जो कोई भी फॉर्मूला कभी भी फिट करोगे? ऐसे माइनस प्लस माइनस इसका 2 क्या होता है केमिस्ट्री में? माना सत्ता है तुम्हारे हाथों में, तो क्या सिर्फ अपने ईगो मसाज के लिए केमिस्ट्री मैथ्स का इतिहास भूगोल ही चेंज कर दोगे? गजब बेइज्जती है यार टीचर लोग का, साला कोई भी कुछ भी बोल देता है। कोई बात नहीं शिक्षा मंत्री जी, आपकी ईगो मसाज के लिए ये टीचर बेहतरीन है। देखो जरा ये है ना साहब, माइनस प्लस। चलो ये केमिस्ट्री का हो गया, अब मैथ में आ जाओ। माइनस प्लस माइनस इसका 2 केमिस्ट्री का है। नंबर 7, नर्वस हो गए, कुछ नहीं बता सकते, याद नहीं आ रहा है भाई। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिए रिपोर्टर भैया जो हमारी मैडम जी इतना नर्वस ही आ गई हैं? हमको भी बताइए तनिक। डीएम कौन है? पटना के डीएम है ये। अरे बाप रे, रिपोर्टर भैया इतना भारी भारी सवाल पूछेंगे तो मैडम नर्वस ही आएंगी ही ना। थोड़ा आसान पूछो। बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का जानी। देखो हम बोले थे ना मैडम से आसान सवाल पूछो, देखो बोल रही है ना, बता दो मैडम जी बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का जानी। बिहार का राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। का मैडम जी, हमारा तो विश्वास ही उड़ गया टीचर लोग पे से। जाने दीजिए, हम आपके बच्चों से ही कुछ पूछवा देते हैं पत्रकार जी को। रिपोर्टर साहब, ये बच्चा क्लास का टॉपर है, इससे सवाल पूछिए जरा। किस राज्य में रहते हो? बिहार की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। बिहार की राजधानी? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? चलो गलती सही, पर बच्चे ने जो पढ़ा है बिहार की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। वो याद तो है। वेल डन बेटा, वेरी नाइस। नंबर 8, USA। वी हैव द बेस्ट इंग्लिश टीचर इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका, नो आवर टीचर्स आर द बेस्ट। इंडिया, DANGER OUS। Dangers। अरे यार ऐसी टीचर से पढ़ने के बाद तो बच्चे भी यही बोल रहे हैं। भगवान है कहाँ रे तू। नंबर 9, सर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। ऑल्ट F4 क्या दबाऊं मैं? ओके। Oh!
अरे लॉकडाउन में हमने पढ़ाई की या नहीं पता नहीं, मगर कुछ टीचर्स को तो कंप्यूटर के क्लासेस लेने पड़ रहे थे। अरे भाई पता है इन सर को क्लासेस स्टार्ट करने में कितना समय लगा था? बड़ी कठिनाइयों से गुजरने के बाद फाइनली सर लेक्चर लेने ही वाले थे कि जाओ भाई लोग आज छुट्टी है। नंबर 10, भाई लोग मुन्ना भाई MBBS में अकेले मुन्ना भाई ने टीचर्स की नाक में दम करके रखा। अपुन ने कल तेरे को एक सवाल पूछा, उसका जवाब तूने नहीं दिया। लेकिन जब से लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तब से सारे स्टूडेंट्स मुन्ना भाई के चचा बन गए हैं। मतलब लॉकडाउन में पूजनी हिटलर अध्यापक गण, जिनके आते ही क्लास में सन्नाटे का माहौल होता था, उनकी ऐसी इज्जत उतारी, ऐसी उतारी कि मास्टर जी बिना खोले ही निर्वस्त्र हो गए। देखना चाहोगे? लो देखो। सर ये डाउट वगैरह तो ठीक है सर, पर सर वो मुझे छोड़ गई सर। सर वो मुझे छोड़ गई सर, उसका क्या करूं सर? कौन सा छोड़ दिया? रहने दे भाई, ये सख्त टिंडे की शक्ल के आदमी को कहाँ होगा इतना एक्सपीरियंस। नंबर 11, अब आपके सामने पेश है कुंग फू की इज्जत को तार तार कर देने वाला बेहतरीन नमूना। ये सरजी ने पहले तो अपना सर झुका के किया दंडवत प्रणाम और दे मारा अपना सर और ये टूटा। ये क्या, ये तो मेरी पूरी की पूरी कमेंट्री की वाट लग गई। अब क्या बोलूं, सर जी गिर गए। अरे ओ ब्रूस ली के ना जाए चचा, बच्चों को तो तू देख कैसे हंस रहे हैं, पहले सीख लेता तो खामखा ये बेइज्जती तो नहीं होती। नंबर 12, फ्रेंड्स हमारे साइंस की बुक में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हर किसी को पसंद होता था ना। Why are you laughing? What's funny? Don't laugh. लेकिन इतना पसंद भी नहीं था कि ऐसा कर बैठे। लगता है सर जी ने बच्चों के नाक में दम कर रखा। तभी तो बच्चों ने मुंह से गाली देने के बजाय ये रास्ता अपनाया। कसम से ये बच्चे तो कतई साइलेंट वाले हिंदुस्तानी भाऊ निकले। क्या सॉलिड वाली गाली दी है वे? तुम लोग भी समझ गए ना, बोलो बोलो। लेकिन यहाँ के बच्चे तो इनसे भी डेढ़ चाणे निकले। देखोगे क्या किया सर जी ने? सोचा बच्चों ने बनाई है सी फॉर कैट, यानी बिल्ली मौसी। बेचारे भोले वाले सर जी मिटाने लगे और धीरे धीरे ये बिल्ली मौसी सी फॉर बन गई कुछ और। उसके बाद सर जी के तो पता नहीं सर लोग के लिए यही क्यों मिलता है बच्चों को, तुम्हें पता हो तो कमेंट करना। नंबर 13, अब मेरे एक बड़े से भारी भरकम सवाल का जवाब दो। एक साल में कितने दिन होते हैं? तुम्हारा जवाब होगा 365, राइट? मुझे भी यही लगता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे तो मेरी परवरिश पर ही संदेह हो गया। आप भी देखो। एक साल में कितने दिन होते हैं मैडम? एक साल में 12 महीना का एक साल होता है, 360 दिन का होता है। क्या मैडम जी, 5 दिन कहाँ गायब हो गए? ओ अच्छा, इनका मतलब है। मैडम हैंगओवर के हिसाब से एक दिन एक्स्ट्रा भी लेके चलती हैं। कोई नहीं भाई, और कुछ? भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है मैडम? नहीं जानते। मिल गया जवाब। नहीं जानती। भाई रिपोर्टर तू पहले ये बता कि प्रधानमंत्री इसको जानता है क्या? नहीं ना, तो फिर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब यार अगर ऐसे नमूने टीचर्स के हाथ में अपने देश का भविष्य दे देंगे तो अपना तो भाई बंटाधार है, और ऐसे शरारती स्टूडेंट्स भी मिल जाएं तो बेचारा टीचर भी क्या ही करे। पर शुक्र है ना तो मैं इतना शरारती था और ना ही मेरी टीचर इतनी बड़ी नमूनी। तभी तो देखो आपके सामने खड़ा हूँ इतने सब्सक्राइबर्स के साथ। वेल आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर आपकी भी कोई ऐसी अतरंगी टीचर थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही फैक्ट वाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद।